वाराणसी के काशी विश्वनाथ धाम के पास सोमवार देर रात हुई एक दुखद घटना ने सभी को हिलाकर रख दिया है। दो पुराने मकान की जर्जर दीवारें अचानक ढह गईं, जिसमें ड्यूटी पर तैनात महिला पुलिसकर्मी समेत 8 लोग मलबे में दब गए। मंगलवार सुबह तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा और अब तक 6 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है, लेकिन दो महिलाएं अभी भी मलबे में फंसी हैं, जिन्हें निकालने के लिए NDRF की टीम पूरी कोशिश कर रही है। सूचना मिलते ही मौके पर कई थानों की पुलिस फोर्स पहुंच गई और क्षेत्र को घेर लिया गया। मैदागिन और गोदौलिया से काशी विश्वनाथ मंदिर जाने वाले रास्ते को बंद कर दिया गया है, ताकि किसी भी प्रकार की भीड़भाड़ और अव्यवस्था ना हो। श्रद्धालुओं को गेट नंबर 1 और 2 से मंदिर भेजा जा रहा है। स्थानीय लोगों के अनुसार खोवा गली में राजेश और मनीष गुप्ता के मकान 70 से 75 साल पुराने थे और उनकी दीवारें बहुत जर्जर हो चुकी थी। 3 बजे के आसपास पहला मकान भरभराकर गिर पड़ा और थोड़ी देर बाद दूसरा मकान भी ढह गया। मकान गिरते ही वहां चीख पुकार मच गई। घटना स्थल के पास तैनात पुलिस वाले और पास से गुजर रहे श्रद्धालु भी इस दुर्घटना का शिकार हो गए। स्थानीय लोग दौड़कर मौके पर पहुंचे और तुरंत पुलिस और NDRF को सूचना दी। घायलों को तुरंत कबीर चौरा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह घटना काशी विश्वनाथ मंदिर के बहुत करीब हुई, जिससे वहां आने वाले श्रद्धालुओं में भी भय का माहौल बन गया है। इंस्पेक्टर चौक विमल मिश्रा ने बताया कि मणिकर्णिका द्वार के पास गिरे ये मकान मंदिर कॉरिडोर से महज 10 मीटर की दूरी पर थे। मंदिर के आसपास बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है, ताकि स्थिति पर काबू रखा जा सके और किसी भी तरह की अप्रिय घटना से बचा जा सके। यह दुखद घटना न केवल वाराणसी बल्कि पूरे देश के लिए एक बड़ा झटका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस घटना पर गहरी संवेदना व्यक्त की है और सभी घायलों के बेहतर इलाज के निर्देश दिए हैं। इस दुखद घटना ने एक बार फिर से यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि पुराने और जर्जर हो चुके मकानों की समय रहते मरम्मत या पुनर्निर्माण कितना आवश्यक है। हमारी यही कामना है कि जो लोग अभी मलबे में फंसे हैं, वे जल्द से जल्द सुरक्षित बाहर निकल आएं और सभी घायलों का शीघ्र स्वस्थ होना सुनिश्चित हो। कृपया सावधानी बरतें और प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें। वाराणसी की तंग गलियों और पुराने मकानों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए उचित कदम उठाना अत्यंत आवश्यक है। लोकल 18 के लिए वाराणसी से अभिषेक जायसवाल की रिपोर्ट।